हमने पढ़ा था जो कक्षाएं हैं उनको 1, 2, 3, 4, 5 जैसे अंकों से सूचित करते हैं और उप कक्षाओं को SPDF से सूचित करते हैं। जितनी कक्षा होगी उतनी उसमें उप कक्षा होगी, राइट। ये बात आप लोग नोट कर चुके होंगे, देख चुके होंगे। उसके बाद आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, कल आप लोगों को एक अफबाव के नियम का सीरीज बनाया गया था। वो सीरीज क्या था देखिएगा, उस सीरीज में आपने क्या क्या लिखा था, 1s के बाद क्या था, 2s, 2s के बाद क्या था, 2p, 2p के बाद क्या था, 3s, 3s के बाद क्या था, 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4d, 4p के बाद 5s, 5s के बाद क्या आया था, 5s के बाद आ जाएगा 4d, 4d के बाद कौन आएगा 5p, 5p के बाद कौन आएगा 6s, तब कौन आएगा 4f, तब कौन आएगा 5d, तब कौन आएगा 6p, तब कौन आएगा 7s। ऐसे ये सीरीज और आगे तक बढ़ गया। इस सीरीज को आपको याद कर लेना है, पहले याद करने के बाद समझ लेना है, सेकंड लेसन में जब डिटेल में जाएंगे तो हम लोग याद कीजिएगा। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4। बहुत ज्यादा तक नहीं जाना है, कुछ तक याद रखिए। कहां तक आपको जाना है, मैक्सिमम 118 तक जाना है, जहां 118 तक वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब 118 कंप्लीट कैसे होगा, याद कीजिए। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। कैसे होते हैं ये भी आपको परसों और कल वाले में क्लियर किए थे। एस में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। पी में, पी उपकक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी उपकक्षा में कितने ऑर्बिटल 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, क्योंकि एक में 2 जाएंगे तो 3 में कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन 6। जैसे आप एस लिखते हो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भाई 2, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, 2-2 बढ़ते जाते हैं, 2-2 एस में 1, 1, 2, 3, और पी के बाद आएगा डी, तो डी में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, याद होगा आपको डी में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 है, 3, 2, 5, और 5 ऑर्बिटल होंगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 10, राइट। फिर डी के आगे कौन आएगा एफ, एफ में कितने ऑर्बिटल होंगे, एफ में कितने ऑर्बिटल 7, 7 ऑर्बिटल होंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा 7 में कितने जाएंगे 7 × 2 = 14, तो एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ये देखो कुछ बातें होती हैं जो यदि आपके दिमाग में याद नहीं रहेंगे तो बड़ा दिक्कत करेंगे, है ना। बहुत सिंपल, बहुत इजी भाषा में आपको बताया गया, इस क्रम को आप याद रखिए। कैसे आया, क्यों आया, इसके लिए हम लोगों को पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, एक महीना लग जाएगा पूरा बढ़िया से डिटेल में जाने। अभी बेसिक के तौर पर ये मंत्र याद कर लीजिए, इसका मंत्र कैसे हुआ ये परसों के क्लास में बताया गया था। इसके बाद ये याद रखिए, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं 2, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं 6, डी में कितने 10, एफ में कितने 14, राइट। ये परसों वाले क्लास में स्पष्ट आपके नोटबुक में उतरवा चुके हैं, उसको थोड़ा देख लीजिए। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो कल आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, तो बड़ी जटिल चीज है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको नहीं पता है तो आपका आधा केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, आधा केमिस्ट्री आपका एकदम साफ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए तो इसको 2 बार 3 बार हम लोग पढ़ेंगे, पहले अभी बेसिक में पढ़ रहे हैं, फिर एक बार पढ़ेंगे, फिर एक बार पढ़ेंगे, यानी 3 times इसको रिपीट करेंगे। सावधानी पूर्वक इसमें पढ़ना, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, बस अपने दिमाग को स्थिर करके और कॉन्सेप्ट को जगह पे लगाते जाना। जैसे आप भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे किसका, तत्वों का करोगे ना, तत्वों का करोगे तभी तो उसमें पता चलेगा कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन देगा या कौन कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, कैसे वो बॉन्ड बनाएगा, लेगा कि देगा। अब तत्व तो कहां से है, तो याद कीजिए हमने आपको क्या बताया था, हमने बोला था कि हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक कम से कम 1 परमाणु संख्या से लेकर 30 परमाणु संख्या तक टोटल तत्वों का नाम, संकेत और द्रव्यमान याद कर लो। अब बिना कुछ याद किए हुए पढ़ने बैठ जाओगे तो दिमाग में कुछ घुसेगा, बिल्कुल नहीं घुसेगा। अरे बिना खाना खाए पेट में कुछ रहेगा नहीं, आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, आप कुछ काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। वही पढ़ाई का भी
तो पढ़ने से पहले ये भी ध्यान रखिए कि आपके दिमाग में कुछ स्टोर रहना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं तो फिर कुछ भला होने वाला आपका नहीं है। गौर कीजिए इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, गौर से हम हाइड्रोजन से पुनः लेकर चल रहे हैं। पहले ऐसा पता है आपको परमाणु विद्युत उदासीन होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है मतलब उसमें धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होता है। परमाणु में जो धन आवेश है उसको कौन सा नाम दिया गया था? प्रोटॉन। पिछले क्लासेस में बता चुके हैं परमाणु में जो ऋण आवेश है उसको क्या नाम दिया गया था? इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु विद्युत उदासीन है यानी उसमें धन आवेश और ऋण आवेश बराबर है, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। अब सवाल उठा कि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होगी? तो प्रोटॉन की संख्या हमेशा परमाणु संख्या यानी जेड के बराबर होती है। तो यानी जो भी हमने परमाणु संख्या याद की है उदासीन परमाणु की, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उसी को हमको कक्षा के उपकक्षा में सजाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गोलाकार पथ पर घूमता है जिसे हम कक्षा कहते हैं। कक्षा को छोटे भाग में बांटा गया जिसको क्या बोला गया? उपकक्षा। उपकक्षा को और छोटा किया गया तो क्या बनाया गया? ऑर्बिटर बनाया गया। तो पहले हम तो ये जाने कि कक्षा के उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे ध्यान दीजिए आपको पता था कि परमाणु गोलीय होता है, परमाणु गोलीय होता है तो ये हो गया परमाणु गोल और नाभिक पर आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। समस्याएं इतनी है कि कहां नहीं जा सकता। पढ़ाई देखो बहुत ही कठिन चीज है, इसको शांत रहकर पढ़ा जाता है, इसमें कुछ चमत्कार नहीं होता है, राइट। चमत्कार कब होता है? जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और आपके दिमाग में नॉलेज रहता है तब चमत्कार। खाली दिमाग से चमत्कार क्या हो? परमाणु है ये, परमाणु होता है गोलीय और इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अब कहिए क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे वो कक्षा एक ही होती है? नहीं, और कक्षाएं होंगी भैया, होंगी ना। ये देखो अब और बढ़ दी जाएगी, और बताइए याद कीजिए आपकी आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। तो मैक्सिमम 7 तक तो प्रमाणित है, 7 के आगे 8, 9, 10 अनंत तक जा सकते हैं, लेकिन आपके काम लायक कहां तक है? 7वीं कक्षा तक है। कितना सेल? कक्षा को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, SHELL सेल। कितने वीडियोस बना के हम आपके ग्रुप में भेज रहे हैं, लोड कर रहे हैं कि अपना बेसिक आप स्ट्रांग कीजिए। तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आप भी उतना मेहनत करो, तभी आप जो जीरो है जीरो से आगे बढ़ोगे। एक डायग्राम वाले वीडियोस भी आपको बना के एडिट करके उसमें ऑडियो वीडियो का फिगर के द्वारा दिखाया जा रहा है। ये परमाणु वाला भी उसमें दिखाया गया है, आज यहाँ क्लास में बैठे हो ये परमाणु वाला भी दिखाया गया है, अगर देखे होंगे तो। उसमें केवल डायग्राम है, उसमें हमारा फिगर नहीं दिखाया गया, ये डायग्राम उसमें बहुत सुंदर से बना। ध्यान दीजिए आपको याद है पहले अगर टेंथ की बात करें तो टेंथ क्लास में आप लोगों ने ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था ना, इसको आपने के माना था, KLMN माना था, KLMN इस तरह मानते गए थे। अभी आपके आधुनिक में कक्षा को N से डिनोट करते हैं, कक्षा यानी सेल। सेल को किससे सूचित करते हैं? N से। N बराबर 1, 2, 3 लेकिन काम भर कितना तक है भाई? 7 तक है। ओके चलिए अनुभूत अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, बार कीजिए। इस कक्षा को भी छोटे भागों में बांट दिया गया है जिसको बोला गया है उपकक्षा। उपकक्षा यानी सब सेल, ठीक है। उपकक्षा यानी सब सेल में बांट दिया गया। सब सेल का संकेत क्या होता है? अरे भैया परसों से चिल्ला के बता रहे हैं कि कक्षा एक बड़ा भाग है, कक्षा को छोटे भाग में बांट दिया गया है जिसको बोलते हैं उपकक्षा, उपकक्षा को भी छोटा कर दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल, राइट। जैसे आपका इतना बड़ा जिला है, ये पूरे जिला का अध्ययन आप आसानी से नहीं कर सकते, इसीलिए जिलों को किस में बांट दिया गया? प्रमंडल प्रखंड वगैरह में बांट दिया गया, उसके बाद पंचायत ब्लॉक में बांट दिया गया, छोटा कर दिया गया। उसी तरह पूरा कक्षा को एक साथ नहीं पढ़ सकते थे, अब कक्षा को क्या किया गया? स्टडी करने के लिए सुविधाजनक हो उसके लिए कक्षा को उपकक्षा में बांटा गया और यही उपकक्षाएं आपका ब्लॉक बन गई। जब पीरियोडिक टेबल आप उठाते हैं उस पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, वही तो उपकक्षा का संकेत है।
उसी के आधार पर उप कक्षा बनी है। ये देखिए यहाँ उप कक्षा को डिनोट करते हैं, तो एस पी डी एफ, एफ तक प्रमाणित है, एफ के बाद काल्पनिक है, जी एच आई आगे आप पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा एफ ही तक प्रमाणित है। प्रमाणित है तभी तो चारी ब्लॉक पर पीरियोडिक टेबल में स्थान दिया गया है, चारी ब्लॉक को आपके आवर्त सारणी में रखा गया है। जी ब्लॉक कहीं आया है क्या? नहीं आया है, क्यों? क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है। हाँ मान लिया गया है एफ के बाद जी एच आई आएगा, ये भी ध्यान रखना है। ये जो उपकक्षा है इसका संकेत स्मॉल लेटर में होता है, ये स्मॉल एस है, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ, राइट, कैपिटल लेटर में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि कक्षा में है उपकक्षा, कक्षा में क्या है उपकक्षा। ये बातें बाबू परसों चौथा दिन बता चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि बृहद टॉपिक है ये, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे आपको परेशानी बनी रहेगी। गौर कीजिए, ये भी हमने बताया था, आप सवाल उठा था कि ये कक्षा में कितनी उपकक्षाएं होंगी, इसका लिस्ट बनाया है बजाते आपको, उस लिस्ट को देखो, जितनी कक्षा उतनी उपकक्षा। जैसे ये कक्षा एक है तो पहली कक्षा में एक उपकक्षा होगी कौन, एस। दो में कितनी होंगी, दो, एस और पी। तीन में कितनी होंगी, तीन, कौन कौन, एस पी डी। चार में कितनी होंगी, चार, कौन कौन, एस पी डी एफ। तब ना स्टडी हमारा, हम लोग का सुगम बनेगा, आसान बनेगा। ये आपको लिस्ट बनवा के लिए बता चुके हैं, राइट। अब इस उप कक्षा को भी आसान करने के लिए किसमें बांट दिया गया, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल एक वर्गाकार बॉक्स होता है इस तरह, तो एस जो होता है उसमें एक होता है बॉक्स, और एक के बाद दो दो को क्रम बढ़ते जाता है, दो क्रम बढ़ते जाता है। कितना क्रम बढ़ता है, दो क्रम, दो ही क्रम बढ़ता है। अब इसमें याद नहीं करने वाली कोई बात ही नहीं है यार, दिमाग अगर आपका स्थिर है तो ध्यान दो। ऐसे में एक ऑर्बिटल है तो पी में कितना होगा, बताइए पी में कितना होगा, तीन, तीन होगा, दो दो जोड़ते जाइए, राइट। देखिए एक और दो तीन, पी में तीन ऑर्बिटल होंगे, यानी पी में अगर डिनोट करना होगा, ये तो ऐसा हो गया, अगर पी को डिनोट करना होगा तो पी में कितने ऑर्बिटल आपको डालना पड़ेंगे, तीन। अब पी के बाद कौन है, डी, बताओ कौन है, डी है। डी में कितने ऑर्बिटल भैया, तो तीन है यहाँ पर, तो डी आगे जा रहा है, तो तीन दो पांच, सिंपल भाषा है, पांच, राइट। ये समझो पहले, इसमें दिमाग करो, डी, डी में कितने ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे भैया, पांच। अब इसी तरह आप आगे भी निकाल सकते हो, डी के बाद एफ है तो पांच दो सात, एफ के बाद जी है तो सात दो नौ, एच में नौ दो ग्यारह, आई में ग्यारह दो तेरह। इस तरह कैलकुलेट करके हम ऑर्बिटल की संख्या बता सकते हैं, होता है कि नहीं होता है, ये भी आपको बता दिए। एफ तक तो एकदम प्रमाणित है, एफ तक ब्लॉक भी बना है, इसके आगे काल्पनिक है, तो क्वेश्चन तो भाई मानकर साइंस में चलता ही है, राइट। अगर पूछ दे कोई कि जी में कितना ऑर्बिटल होगा, तो ये मत कहना कि जी में तो कभी नहीं करता है, होता है कि नहीं होता है, ये आपसे नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जी अगर होगा तो उसमें कितना ऑर्बिटल होगा, तो जी अगर होगा तो उसमें कितना ऑर्बिटल होगा भैया, एक दो तीन, तीन दो पांच, पांच दो सात, सात दो नौ होगा। आगे बढ़ोगे तो ग्यारह तेरह इस तरह होगा। भाई मेरे गौर करो, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज। ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है ये इस तरह भी घूम सकता है, नहीं तो इस तरह भी घूम सकता है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन का जगह होता है ये इस तरह, एक क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज। तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो प्रकार से हो गया, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। अगली बात पर ध्यान दीजिए, अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो तीन ऑर्बिटल में कितने होंगे, छह, पांच में दस, सात ऑर्बिटल में एफ होगा, एफ में सात ऑर्बिटल, सात ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चौदह, चौदह भाई। जी में नौ है तो नौ में कितना, अठारह, राइट। चलिए गौर कीजिए, थोड़ा स्पीकर बिगड़ा हुआ है उसको बनवाने के चक्कर में, उसके बाद आवाज हमारे पास आपकी फ्रेश आने लगेगी, घबरा नहीं, हमारी आवाज आप तक जाएगी, आपकी आवाज आने में हमारे पास थोड़ी दिक्कत, घबराना नहीं है, धीरे धीरे सारी समस्याओं का हल होगा। परेशानी आती है तो परेशानी से भाग कर बैठा नहीं जाता है, उस परेशानी को कम करने का उपाय किया जाता है, राइट। तो उपाय चल रहा है, गौर कीजिए, यानी जहां जहां एस लिखा है, जहां जहां एस लिखा है उसमें दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कराने हैं, जहां जहां पी लिखा है
उसमें छह से ज्यादा नहीं, क्योंकि छह से ज्यादा का तो जगह ही नहीं है। अब कहिएगा कि सर डायरेक्ट हम छह लिखेंगे, भाई डायरेक्ट हम छह नहीं ना लिखेंगे, क्योंकि तीन को डब्बा है तो एक बार वो नहीं ना भर जाएगा, वो एक बार नहीं भरेगा, बारी बारी से भरेगा। कैसे? अगर ध्यान दीजिए यहाँ पी वन आया तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एनपी में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर दो आएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीन होगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, चार होगा तो चौथा भी जाएगा। अब एंटी क्लॉक वाइज ये हुंड का नियम था, पहले समान चक्रण वाला इन सारा क्लॉक वाइज जाएगा। अब ऐसा मत करना, ध्यान दो प्रवेश कराते समय यहाँ दो आ गया तो इस तरह डाल देना क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, ये गलत हो जाएगा। पहले समान चक्रण वाले, समान चक्रण मतलब पहले सारे क्लॉक वाइज भर जाएंगे, अब क्लॉक वाइज का जगह नहीं रहेगा तब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो जाएगा तो उसका चक्रण विपरीत होगा, यानी टू में पहले समान चक्रण, ये तो विपरीत चक्रण हो गया ना, ये क्लॉक ये क्लॉक, फिर तीन में ये चार आएगा इस तरह, पांच ये और छह ये, क्या सातवां इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा? जगह है नहीं। तो सेवन लिखना माना है पी में, तो पी में जो इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे ऐसे के ऊपर जो लिखोगे एक दो, इससे ज्यादा नहीं लिखोगे। पी में एक लिख सकते हो, दो लिख सकते हो, तीन लिख सकते हो, चार पांच छह लिख सकते, लेकिन सात नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि सात जो है उसमें जाएगा ही नहीं, तो मैक्सिमम है। ऐसे में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या दो है, मतलब अधिकतम है वो उससे अधिक नहीं होगा, लेकिन कम तो हो सकता है ना, न्यूनतम तो नहीं ना बोला गया है। ध्यान दीजिए पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? छह है। शब्दों पे ध्यान दो यार, हिंदी भाषी हो, हिंदी समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगी ना। यह देखो पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? छह है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मतलब उससे अधिक नहीं होगा, लेकिन कम तो हो सकता है ना, राइट? तो इस बात को दिमाग में रखिए, राइट? अब इसके आधार पर आपको यह पता चला कि जितनी कक्षा होगी उतनी उप कक्षा होगी, जितनी कक्षा उतनी होगी उप कक्षा। ध्यान दीजिए हम कक्षाएं कहां तक लेकर चलेंगे? सात तक, तो कि आवर्त कितने हैं? सात, उतना ही हमारा काम है। तो सात तक हम गिनती लिखते हैं, लेकिन स्टेप बाय सामने वाला छोड़कर ब्लॉक, राइट? कैसे? ध्यान दीजिए यहां पर हमने लिखा वन, यह है वन, यह होगी पहली कक्षा, ठीक है। अब इसके सामने वाले लाइन को छोड़ दीजिए और ये वाले लाइन को छोड़ दीजिए, कौन सा लाइन समझ में आ रहा है ना? ये लाइन छोड़ दो और ये लाइन छोड़ दो, ठीक है। फिर दूसरी कक्षा को लिख रहे हैं सीढ़ी बनाते हुए, यहां लिख दिए दो, फिर इसके सामने ये वाला और ये वाला छोड़ के फिर यहां लिख दो तीन, फिर इधर वाला छोड़ के फिर यहां लिख दो चार, फिर इधर इधर छोड़ के यहां लिख दो पांच। इस तरह आप लिखने में सक्षम हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए जो चीज बता रहे हैं वो समझिएगा, जितनी कक्षा उतनी उप कक्षा। इस तरह हमको स्टेप बना लेना है सात तक, कितना तक? सात तक, राइट? क्योंकि आवर्त सात है तो सात ही पर ले जाना है हमको। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए फिर से इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, परसों बताए थे फिर स्टार्टिंग से लेकर गए। थोड़ा ध्यान रखिए जो वीडियोस डाल रहे हैं हम भेज रहे हैं उसको बैठ कर थोड़ा देखिए, कंफ्यूजन दूर होंगे। उसमें पिक्चर का भी यूज किया गया है, पिक्चर को देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। आराम मत कीजिए क्योंकि समय जो बीत रहा है वो आने वाला नहीं है, कम से कम एक बार इसको पढ़ोगे कुछ समझ में आएगा, दूसरी बार में और आएगा, तीसरी बार में और आएगा, टोटली हो जाएगा। कब? जब आप पढ़ते रहोगे तब, बैठ जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? कर दीजिए इस सीरीज में ध्यान रखिएगा, ये तो कक्षा का चीज हुआ। अब जितनी कक्षा उतनी उप कक्षा। अब इस सीरीज को लेने के लिए हम फिर से आते हैं पुनः ऊपर, ध्यान दीजिए कैसे स्टेप बना रहे हैं। देखिए सात तक स्टेप बनाएंगे। अब यहां पर हमने लिखा एक, लिख दिया एक, खुश। ध्यान दीजिए एक के बाद ये बताइए पहली कक्षा में कितनी उपकक्षा, पहली कक्षा में कितनी उपकक्षा, पहली कक्षा में कितनी उपकक्षा? एक। जितनी कक्षा होगी उतनी उपकक्षा होगी, ये भी आपको पता चल गया है। उपकक्षा का संकेत स्मॉल लेटर में एस पी डी एफ से किया जाता है। तो देखिए एक में एक उपकक्षा है, एक में एक उपकक्षा डाल दी 1s, कंप्लीट। अब 1s के बाद इधर वाला छोड़कर यहां हम 2 चालू किए, 2। तो दो में कितनी उपकक्षाएं होंगी? दो में दो उपकक्षा है, दो उपकक्षा, दो है तो दो बार दो लिखना पड़ेगा, एक होगा 2s और एक होगा 2p, ये दो लिखना जरूरी है ना, ठीक है।
अब तीन में कितनी कक्षाएं तो देखिए इसके सामने आएगा 3s 3p और 3d। कहां दिक्कत है बोलो, कहीं तो दिक्कत नहीं है, तीन में तीन लिख दिए, बस क्या कर रहे हैं मिस्टेक बनाते जा रहे हैं, ये सामने वाला छोड़ते राइट। अब देखिए भाई स्पेस लेना चाहो तो स्पेस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं फोर, यहाँ फोर आया एक छोड़ दिए ना, तो चार में कितने हैं भैया, चार, तो चार एस चार बी चार डी चार। फिर आएगा पांच, पांच में कितने होंगे, पांच एस पांच बी पांच डी पांच एफ पांच जी राइट। फिर आएगा छह सात, इस तरह से हम लोगों को सजाते जाना है। अब कहिएगा कि सर जी इससे क्या हासिल होगा, तो छह में छह सजाइए आपको मिल जाएगा, छह में छह सजाइए, सिक्स एस सिक्स बी सिक्स डी सिक्स एफ सिक्स जी। ध्यान दो ना भैया एक चीज, ध्यान रखो एक चीज और, ये जो जी लिख रहे हो इसका तो कोई काम है नहीं, फालतू का लिख रहे हैं, ये कहीं हमको यूज में आने वाला नहीं है, क्योंकि ब्लॉक कितने हैं, चार ही हैं। तो यहां से फोर एफ से ये पता चल गया कि चार रह गया, नहीं जी वाले को नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफ तक कंप्लीट लिखना है, पांच में पांच होंगे छह में छह रहेंगे। अब कहेगा सर जी पांचों का ही लिखे, पांचों का यूज हमको आने वाला नहीं है, कहीं इसमें जी कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पीरियोडिक टेबल में आपके जी ब्लॉक आया है, नहीं आया है, तो जी का यूज नहीं है। लेकिन हाँ हमको ये पता चल गया कि पांच में पांच हो सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो जी भी आएगा, लेकिन अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है राइट। बात ये यहाँ पर हम पांच ही को लेकर चलते हैं, फाइव डी के बाद फाइव है, छह में भी बाबू सिक्स एस सिक्स पी सिक्स डी और सिक्स एफ, सात में भी सेवन एस सेवन पी सेवन डी और सेवन एफ। अब कहेगा कि सर ये आगे नहीं बढ़ सकते थे, सात में सात होता है एस पी डी एफ जी एच आई, नहीं जा सकते थे, जा सकते थे, थोड़ा स्पेस कम है आपको दिखाई देते रहे इसलिए हम, क्योंकि जाते भी तो उसका यूज नहीं आता। ये हो गया कक्षा में उप कक्षा, इसका मतलब क्या हुआ वो ध्यान दीजिए। हेलो ये परमाणु है गोल, दुनिया गोल है, बीच में है नाभि, इसके चारों ओर हम कक्षा बना रहे हैं, अब देखो भाई मेरे गौर से देखो, गौर से देखना भाई मेरे, ये कक्षा एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये छह है, इस तरह आगे भी बढ़ सकते थे। एक में एक ही उपकक्षा होगी S, दो में दो को S और T, तीन में तीन S P D, चार में चार S P D F, पांच में पांच S P D F G, छ में छ S P D F G H करो। अब देखो यहां भी S आया है, यहां भी एस पी आया है, पहले में भी एस आया है, दूसरे में भी एस आया है, तीसरे में भी एस, चौथे में भी एस। अब खाली एस लिख देंगे, केवल एस लिखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि भैया ये कौन का है, पहला कक्षा का है कि दूसरा का है कि तीसरा का है कि चौथा का है कि पांचवा का है। इसीलिए पहले वाले के साथ वन लगा देंगे, अब दूसरा में दो है एस पी, यहाँ पे टू एस टू पी, तीसरा में तीन को है एस पी डी, थ्री एस थ्री पी थ्री डी, इस तरह हम लिख देंगे। चार में देखिए चार को है, तो जो भी चार को है सबसे पहले हम चार लगा देंगे, कि ये तो पता चले कि ये जो एस है कि चौथी कक्षा में है, ये जो एस है एस उपकक्षा वो तीसरी में है, ये एस किस में है, दूसरी में, तो एस बी डी एफ से पहले जो अंक लगा है ना वो कक्षा की संख्या है। अब क्या सिंपल करके बताए, इससे तो सिंपल नहीं ना होगा, सवाल ये था ना कि एस पी डी एफ क्या है, एस पी डी एफ क्या है भैया, उप कक्षा है, इससे पहले अंक क्या है तो वो कक्षा है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करता है, अफबाउ के नियम के अनुसार, अफबाउ के नियम के अनुसार, ये सेकेंड लेसन में पूरा नियम लिखेंगे हम लोग, इसका बशर्ते चार्ट भी बनेगा, लेकिन अभी ध्यान रखिए ये शॉर्ट समरी के रूप में आपको बताया जा रहा है कि समझ में भी आए और कठिनाई भी ना। इसके लिए आपको ये क्रम बनाने तो आ गया है, ये क्रम बनाने आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखिए कहां से कहां हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, सबसे पहले 1s है ना, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, 1s के बाद आएगा 2s में, 2s के बाद आएगा 2p में, 2p के बाद आएगा 3s में, 3s के बाद आएगा 3p में, 3p के बाद आएगा 4s में, ठीक है।
अब ये जो कर्म है आपका, ध्यान रखिएगा, ये जो कर्म आपको दिखाई दे रहा है कैसे आ रहा है, इसका यहां से फोर एस के बाद क्रॉस कीजिए, देखिए यहां पर आएगा ये, ठीक है, फिर यहां, फिर यहां, फिर ये क्रॉस होगा यहां पे आएगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर ये क्रॉस होगा यहां पर आएगा, फिर ये यहां, 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 फिर ये क्रॉस होगा यहां से यहां आएगा, फिर यहां आ जाएगा, फिर ये क्रॉस होगा, इस तरह चलते रहेगा, इस तरह चलते रहेगा। लेकिन हम यहीं पर क्यों रुकेंगे, इसका रीजन भी हम आपको बताते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो पीछे बताए वो आपको याद रहना चाहिए था। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो देख लीजिए, 1s से 2s में आया, 2s से किसमें जाएगा, 2p में, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, 4s से 3d, 3d से किसमें, 4p, 4p से 5s, अब आएगा 4d, 4d के बाद कहाँ आएगा, 5p, अब आएगा 6s, अब आएगा 4f, अब आएगा 5d, अब 6p, अब 7s, अब आएगा 5f, 6d, 7d। इसी को हमने ऊपर उतारा है, देख लो, और इसको याद रखना पड़ेगा कि किसके बाद कौन आएगा, तभी इलेक्ट्रॉन को आप प्रवेश करा सकते हो, जहां मन करे वहां नहीं, इसी रूल के हिसाब से। तो 1s के बाद कौन आ रहा है, देखिए 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, उसके बाद है 4f, 5d, 6p, 7s, उसके बाद 5f, 6d, 7p, 5f, ध्यान दीजिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, 7s के बाद कौन आया देख लीजिए, 5f, तब आएगा 6d, तब आएगा 7p, यहीं पर ले जाकर रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं भैया, क्या हुआ ऐसा कि हमने रोक दिया, हमारा काम हो गया है, हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण पे हो जाएगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये मार्केबल पॉइंट है। अरे भाई मेरे, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, पी में कितने होते हैं, 6, डी में कितने होते हैं, 10, एफ में कितने होते हैं, 14, ये तो याद है ना, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, याद रखिए। तो जहां जहां ये एस आया है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, 2, जो पी आया है उसमें कितने प्रवेश करेंगे, 6, डी जो आया है उसमें कितने प्रवेश करेंगे, 10, एफ में 14, तो जहां एस है वहां 2 जोड़ो, जहां पी है वहां 6 जोड़ो, जहां डी है वहां 10 जोड़ो, जहां एफ है वहां 14 जोड़ो, जोड़ के देखो, देखो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, डी आ गया 10, 20, 10, 30, 6, 36, 2, 38, 10, 48, 48, 6, 54, फिर ऐसा आ गया तो 2 जुड़ेगा, 54, 2, 56, 56 और 14, 70, 70, 10, 80, 80 और 6, 86, 86, 2, 88, 88 और F आ गया, 14 जुड़ेगा ना, F में 14, 88 और 14, 102 और D आ गया, तो D में कितना, 10, 102 और 10, 112, ये पी आ गया, पी में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, 112 और 6, 118, यानी 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, कंप्लीट। अब इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, अपने पीरियोडिक टेबल का अध्ययन, तब इसको आप रिमेंबर कर लीजिए, कैसे आया वो भी बता दिए, ठीक है। अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने सीखना है, तो ये याद रखिए कि समय कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा और किसके बाद कौन आएगा, राइट, इसके ऊपर शोध करके कोरोना का दवाई नहीं बनाना, और कीजिए इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं ये तो पता चल गया। ये तो हमको पता चल गया कि किसके बाद कौन आएगा, ये 1s का मतलब क्या है, 1 क्या है कक्षा, s क्या है उप कक्षा, इसको हम पढ़ते हैं पहली कक्षा की s उप कक्षा, 2s का मतलब क्या है दूसरी कक्षा, s का मतलब उप कक्षा, मतलब दूसरी कक्षा की s उप कक्षा, ये 2p का मतलब हो गया दूसरी कक्षा की p उप कक्षा, फिर 3s मतलब तीसरी कक्षा की s उप कक्षा, इस तरह हम बोलते हैं, राइट, ये पूरा इसका हिंदी नाम है। ध्यान दीजिए हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन शुरू से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चालू करेंगे तो हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9,
ठीक है, और नियॉन पेन, पेन तक आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं आते भाई मेरे, हेलो, इसमें बताए थे परमाणु संख्या के बराबर होगा कौन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ही सजाना है। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन को सजाना है, एक को, इसको सजाने के लिए सबसे पहले कौन आएगा, वन एस, क्या हो गया वन एस, कितना वन, तो कही है ना, फिर दो है तो वन एस टू, तीन है, तीन है, कितना है तीन, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब बच्चा कर देगा वन एस थ्री, लो बेटा चला गया गढ़ा में, है कैसे चला गया, क्या एस में तीन को इलेक्ट्रॉन जाता है, नहीं, तो वन एस टू रहेगा नहीं है, दो से ज्यादा नहीं जाएगा, तो है कितने तीन, प्रवेश कितने कराए दो, और कराना है ना, कहाँ कराओगे, और वन एस के बाद कौन आ रहा है, टू एस, टू एस में जाओगे, ये हो गया टू एस वन, फिर अभी से इसमें कब तक भरेगा, जब तक दो नहीं होगा, ये देखिए चार है, वन एस टू, टू एस टू, गिनिए दो दो चार, हुआ कि नहीं हुआ, चार हो गया। अब आइए पांच, वन एस टू लिखेंगे, फिर टू एस, क्या थ्री लिख दें, नहीं, एस में तो दो से ज्यादा जाता ही नहीं है, एस में मैक्सिमम हम कितना रखेंगे, दो, दो रख दिया हमने। अब टू एस के भरने के बाद किस में जाएगा, टू पी, ये बारी बारी से सब में भरते जाएगा और आगे बढ़ते जाएगा, ये टू पी आएगा तो टू पी में भी कितना प्रवेश कराना पड़ेगा, एक, क्योंकि पांच है तो दो दो चार हो गए, दो दो चार एक पांच, ध्यान दीजिए आप, ये इसी तरह वन एस टू, टू एस टू, टू पी टू, अभी पी में भरते रहेगा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स होते रहेगा, कहां तक, सिक्स तक, सेवन नहीं हो, जब छह को भर जाएगा तो फिर आगे बढ़ेगा टू पी से आगे थ्री एस में, तो ये होगा वन एस टू, टू एस टू, टू पी थ्री, वन एस टू, टू एस टू, टू पी फोर, वन एस टू, टू एस टू, टू पी फाइव, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, अब भर गया टू पी सिक्स, अब लेके आइए सोडियम, इसके आगे होता है ग्यारह, सोडियम का परमाणु संख्या ग्यारह, अब इसको बनाना होगा वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, और अब आप करोगे थ्री एस वन, टैंक ग्यारह है और टू पी सिक्स यहाँ कंप्लीट हो गया, अब पी में सात जा नहीं सकता है, नहीं जा सकता है, तो टू पी के बाद थ्री एस, फिर थ्री एस में कितना जाएगा, दो, इसमें कितना जाएगा, फिर छह, इसमें दो, इसमें दस, इस तरह इलेक्ट्रॉन को भरते हुए आप आगे बढ़ते जाइए, कोई इसमें माइनस वाली बात नहीं है, आप इलेक्ट्रॉन को भरते हुए बिल्कुल आगे बढ़ते जाइए, ठीक है ना, मैग्नीशियम का करना होगा तो थ्री एस टू हो जाएगा, अब एल्यूमिनियम है।